Hello, hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing just great. Welcome to the first vlog as an 11th grader. I know, ऐसे vlogs बहुत बहुत दिनों से नहीं आए. Actually, ऐसा last vlog, I guess, 5 या 6 महीने पहले आया था. This is honestly the first video as an 11th grader, I guess. तो this is one of those days जब मैं जल्दी उठ गई. Actually, परसों ही उठी थी, आज edit कर रही हूँ. And जल्दी मतलब अराउंड 5:30 या 5:45 के अराउंड उठ के ही मैंने शुरू कर दी फिज़िक्स. आई वॉज डूइंग सम रैंडम क्वेश्चंस, कुछ अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस किए थे. एंड हाँ, तो सुबह सुबह उठने से ना प्रोडक्टिविटी मेरे को ज़्यादा आती है, आई डोंट नो व्हाई. पहले तो मैं रात को ही पढ़ती थी थोड़ा ज़्यादा, सुबह मेरे से उठा नहीं जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हज़ारों एक्सक्यूज़ेस. बट थिंग्स हैव चेंज्ड स्लाइटली नाउ. एंड सुबह उठ गई थी इसलिए ये प्यारा सा सनराइज भी दिख गया. मेरा रूम घर के एकदम लास्ट में है तो एक बैल्कनी भी है साथ में, तो वहाँ से ये शूट किया. फिर इट वॉज अराउंड 7 AM एंड आई स्टार्टेड जुअलॉजी की बॉटनी. ओके हाँ, जुअलॉजी. तो इसे एक पार्ट कुछ तो पढ़ी थी, मुझे अभी याद नहीं. आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग इट यूजिंग माई LCD राइटिंग पैड एंड पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं. इग्नोर दोज जेस्चर्स ऑफ माई हैंड. आप लोगों को पता है, अगर मेरे पहले वीडियोज देखे होंगे, कि आई जस्ट लाइक टू हाथ हिलाते हिलाते पढ़ना, मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आता है. कुछ तो याद कर रही थी मोस्ट प्रोबेबली, रिएक्शन देख के ऐसा ही लग रहा है. सो गाइज, अभी हो रहे हैं एग्जैक्टली 7:30 AM एंड सो लेट्स स्टार्ट आवर होमवर्क. फिर 20 मिनट में मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया एंड फ्रॉम 7:50 आई गेस आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी टू गो. फिर अपनी साइकिल ली और चल दिया एंड उसके बाद घर आके खाया ये फेरेरो रोशे. This is some honestly raw footage and I am back right now and अभी मैं खा रही हूँ मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट चॉकलेट, दैट इज फेरेरो रोशे. एंड फेरेरो रोशे पता नहीं क्या. एंड इवन तो ये रॉ फुटेज मैंने बोला है, बट स्टिल आई एम शूटिंग इन स्नैपचैट बिकॉज आई लव इज फिल्टर्स सो मच, है ना. तो अब मैं जब भी शूट करूँगी यही करूँगी, कुछ मत बोलना, आई कैंट हेल्प इट. एंड या अभी बज रहे 2:44, मैं ऑलमोस्ट 2:15 2:20 को खड़ा की थी एंड उसके बाद बस टाइम पास किया है और कुछ नहीं किया. एंड अभी आई विल गेट रेडी बिकॉज हमें एक फंक्शन में जाना है खाना खाने के लिए. सो या लेट्स गो. फंक्शन में जाने के लिए आई वोर दिस वेरी ब्यूटिफुल टर्कोइज एकदम लाइट कलर वाला कुर्ता जो कि मैंने बिहू में लिया था. एंड इसे पहनने के साथ साथ एक शॉर्ट भी बना लिया, लिंक इज इन कमेंट्स, प्लीज़ जाके देख लेना अगर नहीं देखा. फिर ये कुछ वीडियो किया था, आई थिंक द वीडियो इज़ ग्लिच्ड, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अभी. बट यही बोल रही थी मोस्ट प्रोबेबली कि हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं. वहाँ पे जाके ही हमने पिया ये शरबत एंड उसके बाद हमने पिया खाया कचौड़ी और जलेबी. एक्चुअली इसके साथ कॉफ़ी था बट शरबत पिया तो इसलिए कॉफ़ी नहीं पिया. उसके बाद वी हैड लंच. फिर घर आके थोड़ा ऐसे फूड वीडियोस, फूड ब्लॉग्स ऐसे वाले वीडियोस देखे. उसके बाद वी वेंट आउट, मैं, पापा और दोला. दोला को हमें कहीं ड्रॉप करना था और मुझे जाना था एक शॉप कुछ यूनिफॉर्म के काम के लिए. एक्चुअली मेरे यूनिफॉर्म का जो शर्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक आई लुक लाइक अ जायंट, तो इसलिए थोड़ा छोटा करने के लिए दिया था. अभी जाके हमें वो वापस लाना है बट गेस व्हाट, वो अभी सिलाई ख़त्म ही नहीं हुआ. वी हैड टू वेट देयर फॉर अबाउट 1/2 hour कि वो ख़त्म हो और घर आए हम. आफ्टर अ रियली 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 हेक्टिक डे वी आर बैक एट द प्लेस वेर वी स्टार्ट ऑन दिस डे. एंड अभी 7:06 हुए हैं, 7:06 एंड हम अभी पहुँचे हैं घर. एंड अभी हम खाने वाले हैं सीज़न का पहला आम. आई डोंट नो अभी सीज़न आया है कि नहीं, बट हाँ आम ज़रूर आ गया. तो ऑफकोर्स मैंगो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स. अगेन आप लोग बोलोगे हर चीज़ में वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेरे कितने फेवरेट्स हैं मुझे खुद भी नहीं पता ऑनेस्टली. तो चलो अभी फ्रेश में हो चुकी हूँ एंड लेट्स हैव मैंगोज.
देन आई हैड 2 pieces ऑफ मैंगो, और वो जो सीड होता है वो बंक्स ने खाया था, बट मैंने एक पीस खा ही लिया, तो एक पीस जो था वो वीडियो करना बाकी था, तो आई जस्ट शॉट इट. एंड सॉरी, आई नो इस वीडियो में कुछ क्लिप्स थोड़े ग्लिच थे, मतलब आवाज़ कहीं और आ रही है और वीडियो कहीं और, बट मुझे इतना मतलब ठीक ठाक लगा, इसलिए मैंने वीडियो में डाल दिया. होपफुली कुछ परेशानी नहीं हुई होगी. देन आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक, आई सैट डाउन अगेन टू स्टडी. दिस टाइम आई टुक आउट सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो वाला चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा जितना हो गया है उतना रिवाइज करा. एंड हाँ वही क्या, उसको करने के बाद आई वॉज वे टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू एनी फर्दर. तो यही था दिन का, या फिर बोल लो उस रात का लास्ट स्टडी सेशन. इसके बाद अराउंड 9:30 PM को आई हैड डिनर, एंड डिनर करने के बाद मैं सो गई अराउंड 11 बजे. यस, तो मुझे आज एक्चुअली अचानक से ट्राईपॉड भी दिख गया साइड में. वैसे तो मैं इस फ़ोन स्टैंड को यूज़ करती हूँ वीडियो करने के लिए, एंड कभी कभी मेरे बिल को भी यूज़ करती हूँ, पर ट्राईपॉड था साथ में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे क्यों ना रिकॉर्ड कर दे. तो यस, आई कंटिन्यू दिस चैप्टर, एंड 9:30 को मैं उठ गई डिनर करने के लिए. फिर तो बता ही दिया आप लोगों को क्या किया है मैंने. एंड आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर. एंड आई फॉरगॉट टू शूट द आउट्रो, सो नेक्स्ट डे जब मैं एडिट कर रही हूँ ये वीडियो, तब मैंने कुछ ऐसे ही, इतना अच्छा सा व्यू हो रहा था ना, लाइटिंग बहुत अच्छी सी आ रही थी, इसलिए ये शूट किया. एंड दिस इज़ इट. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब.